प्रदेश आज 68वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश की आन बान शान का जश्न है आज और राजपथ पर पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ताकत देखेगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी परेड की सलामी लेंगे। इस बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। नाहयान यूएई की संयुक्त सेना के डिप्टी सर्वोच्च कमांडर भी है। सीधी तस्वीरें देखिए राजपथ की। गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं आज भारत की सेना का जो दम है वो देखने को मिलेगा। यूएई की सेना भी यहां पर एक टुकड़ी वहां पर मौजूद है। राजपथ पर मार्च पास करेगी। परेड में पहली बार लड़ाकू विमान तेजस भी उतरेगा। तो राजपथ से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में ये जश्न की शुरुआत की जाएगी। पहली बार पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित धनुष गन सिस्टम परेड में शामिल होगा। इसके अलावा एनएसजी कमांडो दस्ता भी राजपथ पर पहली बार परेड का हिस्सा बनेगा। तो सभी उच्चाधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। पूरा देश गणतंत्र के जश्न को मना रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें 17 राज्य और 6 मंत्रालयों की झांकियां यहां पर राजपथ पर देखने को मिलेंगी। वहीं 23 साल बाद लक्षद्वीप की झांकी राजपथ पर दिखेगी। नौगाम में आतंकियों से लड़ते शहीद हुए हवलदार हंगपन दादा को मरणोपरांत यहां पर अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। सीधी तस्वीरें राजपथ से हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में गणतंत्र दिवस समारोह का जश्न शुरू होगा। रहा है इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के कोने कोने से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लगभग हर इलाके से और विदेशों से भी मेहमान हमारे बीच उपस्थित होते हैं। विभिन्न देशों के राजनयिक और खास तौर पर भारत के मुख्य अतिथि आज के इस समारोह के, जिनकी उत्कंठा से सभी को प्रतीक्षा है। इस बीच अमर जवान ज्योति पर विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन जारी। सो एज वी कैन सी इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ मेनी थिंग्स एंड टुडे ऑफ कोर्स एज एंड व्हेन द परेड बिगिंस there will be so many truly memorable visual images which we shall capture for you, which will then somewhere be retained in our hearts and minds. And of course, because visual images have a way of imprinting themselves, these memories remain for many of us for a lifetime. And as you can see, a hugely diverse crowd over here, national, international, and a proud moment for every Indian, as not only each and every Indian, but many people across the world are looking towards India as we celebrate our Republic Day. केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य आगमन, जिनका एक के बाद एक होता हुआ राजपथ पर विशिष्ट दीर्घा में, देश के हर नागरिक के लिए एक गर्व का अवसर, गौरव का अवसर। राष्ट्रीय पर्व हर उम्र के लोग यहां पर मौजूद। राजपथ पर अलग अलग परिधानों में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत राष्ट्रीय पर्व की भावना में रंगे हुए। So these panning shots that you're getting are from our Jimmy Jib, which virtually walks into the audience, and it's like you are actually walking there yourselves, and that's the beauty of technology. Defense Minister Shri Manohar Parikar arrives at India Gate and will now await the arrival of Prime Minister Narendra Modi, who will be here in a short while from now to lay a wreath at this memorial. And as a gentle breeze meanders through India Gate, valor and fragrance blend beautifully together. And for any celebration to have true meaning,
its reasons need to be lived collectively. The engines of the largest democracy in the world, the people of India, are its driving force, and the country we make is the country we bequeath. And for every Indian life to be a celebration, the values of justice, liberty, equity and opportunity need to be lived. These are, of course, values very core to our constitution. And every occasion like today is a reminder that India's progress must be of the collective, that India's growth must be by the collective, and India's strength must be for the collective. तो अबुधाबी के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। अब आपको उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यूएई के सुप्रीम कमांडर भी हैं। यूएई के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान के बाद वो राष्ट्रपति बनेंगे। वो अबू धाबी के दूसरे और खाड़ी देशों के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक हैं। वहीं आपको बता दें उनकी संपत्ति करीब 23 अरब डॉलर है। इनकी शादी पर करीब 100 मिलियन डॉलर खर्च हुए थे। इनको रेनबो शेख के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह कारों को लेकर उनका शौक है। उन्होंने 1983 में मर्सिडीज की 7 कारें ऑर्डर की थी। सातों कारें इंद्रधनुष के 7 रंगों की थी। प्रिंस के पास दुनिया की सबसे बड़ी जीप से लेकर अरबों रुपए की कारें हैं। तो राजपथ से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, वहां पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पहुंच चुके हैं। Which of course signifies the close bond between India and the United Arab Emirates. इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, इनकी अगवानी करते हुए रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर, रक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष रामराव भामरे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर पर उन्हें सेना के तीनों अंगों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल नाउ ले अ रीथ एट द मेमोरियल व्हिच विल बी मार्क्ड बाय 2 मिनट्स ऑफ साइलेंस। साइलेंस व्हेन टाइम स्टैंड स्टिल एंड हार्ट्स बीट स्ट्रॉन्ग, अ साइलेंट फ्लेम लिफ्ट्स इनटू सॉन्ग, बाउइंग आवर हेड्स येट प्राइड स्टैंडिंग टॉल, अ बिलियन प्रेयर्स इन ग्रेटिट्यूड कॉल, the silence quietly saying it all.